जहाँ मुसलमान हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, आलम इंसानियत की हिफाजत फरमाए, और खुसूसी वतन अज़ीज़ में पाकिस्तान में इस वक्त जो चौथी लहर है आप सब को मालूम होगा कि वो ज़्यादा इंतशार पकड़ चुकी है। तो अल्लाह ताला जो भी मरीज़ हैं मुब्तला हैं उनको सेहत दे, और हमें अपने फ़ज़ल से अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से इस वबा से मुझी मर्ज से नजात नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला अगर किसी मुसीबत को किसी भी उम्मत पर खाओ एक यानी मुकर्ररा जगह हो या कुल्लियतन सब को आए, जो इस वक्त वबा है वो सब के पूरी दुनिया में है, तो वहाँ कोई भी चीज़ अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमी, अल्लाह करीम फरमाता मैं क्या मैं हर हिकमत वाले से हिकमत सबसे बड़ा हिकमत वाला नहीं, यानी हर चीज़ में उसकी हिकमत पोशीदा है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि लोग कहते होंगे कि डेली सूरज निकलता है, कोई इसमें क्या ऐसी बात है कि ये डेली एक ही जगह आता है फिर जाता है, ये हज़ारों साल से जो है वो तारे एक ही जगह हैं, हज़ारों साल से ये बादल एक ही जगह हैं, ये अपनी जगह पे डेली इनकी एक रूटीन है, वो आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, सूरज आता है फिर गुरूब हो जाता है, उसी टाइम पे आता है गुरूब हो जाता है, ये पूरी साल की एक रूटीन हमेशा ऐसे चलता है, क्यों? क्या ये बोर नहीं होते? हर इंसान किसी न किसी काम से बोर होता है, ये नहीं होते क्यों? क्या इसमें ऐसी क्या बात है कि इस तरह चलते चले जा रहे हैं? तो हमें कोई ख़बर नहीं, वो अल्लाह पाक की हर शय में जो जहाँ है, जो जहाँ से अगर वो वहाँ से मूव नहीं होती, या अगर वो वहाँ से कभी यहाँ उसका तगैयर आप देखो, कभी देखें सूरज पे जो है वो ग्रहण भी आ जाती है, तो कोई भी चीज़ अगर वो तब्दील होती है या अपनी जगह रहती है, सब में उसकी हिकमत पोशीदा है। जहाँ चल रहा था लेकिन अचानक वबा आई, हर चीज़ तब्दील हो गई, ये उसकी हिकमतें हैं। तो वो अल्लाह तबारक व ताला हकीम है, हिकमतों वाला है, वो चाहता है कि हर चीज़ हो बेहतर, लेकिन वो हिकमत है इसके, अल्लाह के पास हिकमत है, वो चाहता है तुम खुद कुछ बेहतरी के लिए अपनी कोशिश और जहद करो, सही करो, तो ये भी उसकी हिकमत है कि तुम्हें मुस्तहिक ठहराए कि तुमने किसी ज़रिए से कोई ऐसा अमल किया कि तुमने, क्योंकि आज ये वबा है इसमें आप खुद अगर एहतियात करते हैं तो पूरे घर को बचाते हैं, अपने इलाके को बचाते हैं, अगर एहतियात नहीं करते तो आप एक की वजह से सारा माहौल ख़राब होता है उस और तमाम घर वालों को इर्द गिर्द नवा सबको उसमें मुब्तला करते हैं। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, लेकिन एहतियात लाजिम, उसकी जितनी भी एहतियात हैं वो आप करें, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको शिफा दे जो मुब्तला हैं, खुसूसी बाबा जान इसी वजह से कि एहतियात की वजह से थोड़ा इज्तिमात का जमात में भी आपका हुक्म है कि कसरत से फुकरा जो हैं वो घरों में हों और इस्तग़फ़ार करें, और जितना हो सके एहतियात करें दूसरों को और ख़ुद को।